Good morning, class 2nd. How are you all? I hope you all are well. So this is your English period. Please take out your Smart English course book 2nd. Now please open chapter number 3, Chuha and Chuhiya. Page number 23. In our first page of this chapter, we have learned till now that there were two friends, Chuha and Chuhiya. Chuhiya एक छोटी सी माउस थी जो कि एक फील्ड माउस थी, यानी फील्ड में रहती थी वो. वो वहाँ पे क्या करती थी, विंटर्स में वो ग्रेन्स खाती थी और समर्स में वो वहाँ पे मैंगो ट्री होते थे या जामुन ट्री होते थे, वहाँ से फ्रूट लेती थी. और जब रेनी सीजन होता था और जो उनका होल होता था फार्म में वो फिल हो जाता था, तो वो क्या करती थी, अपनी प्लेस को चेंज करके मैंगो ट्री के नीचे होल में रहती थी. और फिर उसके बाद जब बारिश रुक जाती थी तो वो दोबारा से अपने फील्ड वाले घर चल जाती थी और वहाँ से राइस खाती थी. इससे हमें यह पता चला कि जो चुहिया थी वो हार्ड वर्किंग थी, और जिसका दूसरा फ्रेंड था जिसका नाम चूहा था वो कैसा था, बिग फैट रैट था, बहुत मोटा था. वो कहाँ रहता था, ही लिव्स इन अ सिटी. और वो एक दिन जब चूहिया से मिलने आया तो उसको वो प्लेस पसंद नहीं आती, ही डिडंट लाइक इट. वो कहता है कि तुम यहाँ रहते हो, मेरा तो घर सिटी में है जो वो बहुत बड़ा है, और मुझे वहाँ पे टेस्टी टेस्टी खाना भी मिलता है, और मुझे वहाँ तो खाना ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे तुम्हें पड़ती है कि आप जाके विंटर में वीट खाते हो फिर अपनी प्लेस चेंज करते हो. मेरे को ना प्लेस चेंज करनी पड़ती है और मुझे बहुत सारा फूड भी मिलता है. तो इसमें डिफरेंस हमें यही पता चला अभी तक कि चूहिया जो थी वो हार्डवर्किंग थी और जो हमारा चूहा था वो बहुत ज़्यादा लेजी था और बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करता था, और उसको सिर्फ फूड चाहिए था जो वो बिना हार्डवर्क के उसे सिटी में मिल जाता था. लेट्स रिज्यूम अवर चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 23. ओके, आई विल कम टू विजिट यू वन डे, सेज चूहिया. क्योंकि रैट उसे इनवाइट करता है तो चूहिया भी बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे एक दिन मिलने आऊँगी. वन डे चूहिया गोज टू द बिग सिटी, और एक दिन चूहिया उस बिग सिटी में चली जाती है. इट इज़ अ नॉइजी प्लेस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है, बहुत नॉइजी हो रहा होता है. चूहा टेक्स हिज फ्रेंड टू हिज हाउस, चूहा अपनी फ्रेंड को अपने हाउस से जाता है. दे रन into a dark hole in the wall, और वो एक डार्क होल में घुस भागते हैं जो कि वॉल में होता है. A big black cat runs after him, और एक बहुत बड़ी सी कैट होती है ब्लैक कलर की, वो उनके पीछे रन कर रही होती है. She sits outside the hole, और वो होल के बाहर बैठ जाती है. Meow says the cat. Cat कैसे करती है, कैट की साउंड कहती है म्याऊ. ठीक है, तो वो अपनी आवाज में क्या कहती है, म्याऊ. द होल डे चूहिया एंड चूहा सिट क्वाइटली इन द होल, और पूरे दिन जो चूहिया और चूहा होता है वो कहाँ बैठे रहते हैं, होल के अंदर चुपचाप से बैठे होते हैं. चूहिया इज हंग्री, चूहिया को भूख लगती है. वेयर इज ऑल द फूड, सेज चूहिया. चूहिया कहती है कि सारा खाना कहाँ है. वेट टिल इट इज नाइट, देयर विल बी लॉट्स ऑफ फूड ऑन द डाइनिंग टेबल. वो कहता है रात तक वेट करो, और रात को डाइनिंग टेबल में बहुत सारा खाना मिलता है. एट नाइट द बिग ब्लैक कैट गोज टू स्लीप इन हर बास्केट, और जो बिग ब्लैक कैट होती है वो रात को अपने बास्केट में, यानी अपनी जो टोकरी होती है उसमें सोने चली जाती है. चूहा एंड चूहिया कम आउट ऑफ द होल,
चूहा और चूहिया भी अपने होल से बाहर निकल जाते हैं। एवरीवन इज स्लीपिंग, सब सो रहे होते हैं। द टू फ्रेंड्स क्लाइंब अप द लेग ऑफ द चेयर, और जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं यानी चूहा और चूहिया, वो चेयर के जो लेग होते हैं उसकी हेल्प से ऊपर जाने लगते हैं। दे गेट ऑन टू द टेबल, और वो टेबल में पहुंच जाते हैं। दे ईट सम स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड, और वो कुछ छोटे छोटे पीसेस खाते हैं ब्रेड के। दे आर हंग्री, और वो कैसे हो जाते हैं, भूखे हो जाते हैं। देयर इज नो मोर फूड ऑन द टेबल, और टेबल में अब कोई भी खाना, कुछ भी खाना नहीं बचा होता। चूहा एंड चूहिया गो इनटू द किचन, चूहा और चूहिया कहाँ जाता है, किचन में जाते हैं। दे गेट इनटू द गार्बेज बिन, और वो दोनों गार्बेज बिन में जाने लगते हैं। बाउ वाउ बार्क्स अ डॉग, सो वहाँ पे जो डॉग होता है वो बार्क करने लगता है। बार्क इज द साउंड ऑफ डॉग। बाउ वाउ वाउ वाउ, चूहा एंड चूहिया सिट स्टिल इन द बिन द होल नाइट, और चूहा और चूहिया पूरी रात उस बिन में चुपचाप से बिना हिले बैठे रहते हैं। इन द मॉर्निंग द फ्रेंड्स स्कैम्पर बैक इनटू द डार्क होल, स्कैम्पर मीन्स रन अवे, ठीक है। तो जो मॉर्निंग होती है जैसे ही, तो वो दोनों फ्रेंड यानी चूहा और चूहिया भाग के दोबारा से अपने डार्क होल में जाके बैठ जाते हैं। आई एम गोइंग होम सेज चूहिया, चूहिया कहती है अब मैं घर जा रही हूँ। आई डोंट लाइक द सिटी, मुझे सिटी पसंद नहीं आई। इट इज वेरी स्केरी हियर, और क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ये बहुत डरावना है, यानी उसको सिटी डरावनी लगती है। विद दिस अ चैप्टर एंड सो डज अ क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर। आई विल मीट यू टुमारो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।